जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते कि ये जो पैसा फूंक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपकी नजर में तो ये वही बाबा है। आसाराम भी आपकी नजर में बाबा ही था, राम रहीम भी बाबा था, और चिन्मयानंद भी बाबा था, और नित्यानंद भी था। अरे आप तो वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट कटवा रहे थे, अब तो हरियाणा में ले लो, क्योंकि हरियाणा में ठंड भी हो रही है, समझ रहे हैं, और नेट भी बंद कर दिया गया है। और चैनल के तो सारे पत्रकारों को आदत हो गई है, सारे पत्रकारों को, कोई पत्रकार कहता है मुझे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो कोई पत्रकार कहता है मुझे राज्यसभा सांसद बनना है। कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके, और बिक गए बड़े बड़े एक्टर, बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है देश के किसान भाई का ट्रैक्टर। भारत के क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, बाहरी लोग उपद्रवी क्यों बोल रहे हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, आपके मुंह पर एल्फी लग गई थी या आपके गले में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया था कि जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल अटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते कि ये जो पैसा फूंक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे, आपने क्यों नहीं पूछा? ये पैसा आपने चाय बेच के कमाया है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है, उस गरीब जनता का जो नमक तेल रोटी खाकर देश की जनता को कर वसूलती है, टैक्स देती है, समझ रहे? अंबानी और अडानी, एक बात मुझे बताइए, अंबानी, अरे सुन तो लीजिए, अंबानी और अडानी का बिजनेस क्या अंडमान निकोबार द्वीप पे चल रहा है? वो भी तो भारत देश के नागरिक से कमा रहा है। या मुझे बता दीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप पे चल रहा हूँ तो तब मैं समझ रहा हूँ कि चलो मोदी जी को भेज दी है। अंबानी और अडानी भी तो देश से कमा रहे हैं, या वो विदेश से कमा रहा है? व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं, किसका तो मना किसने करा है देश में व्यापार करने के लिए? किसने मना करा है देश में व्यापार करने के लिए? अंबानी अडानी का विरोध कर रहे, इससे सवाल बनता है ना। एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं विरोध, किसान के आप खेत के अंदर टावर लगा देते हैं, ठीक है, और आप किसान को 1 रुपया नहीं देते। आपकी घर की छत पे टावर लगा दूं और आपको 1 रुपया ना दूं तो कैसा लगेगा? लगाऊं आपकी छत पे, एक्सेप्ट करते हैं? बताइए, लगा दूं आपकी घर की छत पे टावर? अरे अरे सुनिए ना, लगा दूं आपकी घर की छत पे टावर? जब आपने बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो आपको देश के किसान के जब आप खेत में टावर लगाते हैं तो आपको उसको पैसा नहीं देना चाहिए। व्यापार करने को किसने मना करा है? व्यापारी करिए। और आप तो ऐसे लोग हैं जो व्यापारियों को भी कह देते हैं बाबा है, आपकी नजर में तो ये वही बाबा है, आसाराम भी आपकी नजर में बाबा ही था, राम रहीम भी बाबा था, और चिन्मयानंद भी बाबा था, और नित्यानंद भी था। बाबा की भी कैटेगरी हो रही है क्या? बाबा की भी कैटेगरियां हो रही है क्या कि भैया ये ए ग्रुप में आता है, ये बी ग्रुप में आता है, ये सी ग्रुप में आता है, ये डी ग्रुप में आता है, ये सर्टिफिकेट बट रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, बाबाओं के सर्टिफिकेट बट रहे हैं क्या कि आइए आसाराम आप ए नंबर पे आते हैं, राम रहीम आप बी नंबर पे आते हैं? आप मुझे बताइए ना, बाबा रामदेव कौन से नंबर पे आते हैं? स्वदेशी अपनाया, देश को मैसेज दिया स्वदेशी अपनाने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है? स्वदेशी के अपना, स्वदेशी अपनाते हैं तो एक बात मुझे बताइए, स्वदेशी अगर आप अपना ही रहे हैं, इतना ही अपना रहे हैं, तो कंप्यूटर में आप काहे नहीं लगाते भैया? देश में बनना है कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया, यूट्यूब, जिस यूट्यूब पे ले रहे हैं ये क्या देश का है? स्वदेशी अपनाइए ना। सरसों तेल पौने 200। आप एक बात बताइए, पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काणे का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। गाय का दूध, सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे आपको, गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे कहीं ना कहीं। आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके, ना तो कोई सेलिब्रिटी आपके साथ है, तो किसान तो अकेले पड़ गया ना। वाह वाह भाई वाह, किसान एक मिनट रुको, किसानों से किसान अकेले पड़ गया। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं, ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है, है? या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है, या कोई और नजर आ रहा है, या ये जो बाइडेन नजर आ रहा है, ये बताइए ना। देश के मुख्य चेहरा जो भी है वो तो आपके खिलाफ है ना, आपकी नजर में एक ही मुख्य चेहरा है, है? एक ही मुख्य चेहरा है प्रधानमंत्री का, कुमार कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, सारे तो आपके खिलाफ। वाह भाई, आप एक बात मुझे बताइए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं दिखाए जिन्होंने पक्ष में बोला है, उनके लिए नहीं दिखाते आप जो पक्ष में बोलते हैं? बोले ना वो लोग, बोले
कौन बोले हैं? आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए, समझ रहे हो? इसलिए तो 2.5 करोड़ शौचालय बनवाया कि 5 रुपए ना देना पड़े है। चले मेरे आपके साथ चलूं के लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कराने के लिए? 5 रुपए लेते हैं हर शौचालय में, गरीब आदमी से आपने शौचालय में भी बैठना। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत समझ रहे? तो आदत सुधारिए समझ रहे हैं। और जो गलत है उसका विरोध करिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। गलत आदमी का विरोध कर रहा है देश का किसान। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी का नंबर, मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए, या गूगल पे आ जाता है? मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा, एक बार देख लूंगा। कहीं गूगल पर डाल दिया, डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया, आप ये समझ लीजिए। और इतना बेहतरीन डिजिटल इंडिया है कि कहीं कहीं तो नेटवर्क सेवा ही बंद कर दी गई है, नेट सेवा। सुनिए, अरे आप तो वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट कटवा रहे थे, अब तो हरियाणा में ले लो, क्योंकि हरियाणा में ठंड भी हो रही है, समझ रहे हैं, और नेट भी बंद कर दिया गया है और किसानों को परेशान किया ही जा रहा है। तो आप हरियाणा में ही ले लो, कश्मीर में नहीं ले पाए तो वहाँ क्यों नहीं लेते प्लॉट? कटवा रहे हो क्या? तो चल रहे हैं ना, लेकिन टीवी चैनल तो चल रहे हैं ना सर, सरकार तो आपके साथ ही है ना। टीवी चैनल के तो सारे पत्रकारों को आदत हो गई है, सारे पत्रकारों को। कोई पत्रकार कहता है मुझे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो कोई पत्रकार कहता है मुझे राज्यसभा सांसद बनना है। तो आज के टाइम में सारे पत्रकारों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनेगा या राज्यसभा सांसद बनेगा। तो इनों की तो आदत खराब हो गई है, पत्रकारों की। तो आप ये समझिए, देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन गौरी लंकेश की हत्या होती है, देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को काट दिया जाता है, देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जब किसानों को दिखाने वाले पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कल आपने अगर न्यूज देखा होगा तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने तारीफ की, दूरदर्शी नेता बताया मोदी को, कहा कि वर्ल्ड में अच्छा। हाँ, तो आपने ये नहीं देखा कि कई लोगों को कैसे कुर्सी भी मिली है ना? तो अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कुर्सी कैसे मिलेगी? मुझे तो आपको लग रहा है कि आप भी संबित पात्रा के भैया हो रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी 24 घंटे उसका भी यही काम था, 24 घंटे उसने न्यूज चैनल पे बैठ के मोदी 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 रख कर उसने ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया। तो आपका क्या इरादा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या ओएमजीसी में बन जाएंगे? आपने मौका दिया तब ना आपको उग्रवादी बोल रहे हैं संबित पात्रा, आपने मौका दिया ना, चूक किया ना कहीं ना कहीं, तो आपको बोल रहे हैं ना इधर देखिए, तो इधर भी किसान को आतंकवादी बताया जा रहा है, ये उग्रवादी है। हम नहीं बोल रहे, वो तो बोल रहे ना, तो उनके बोलने से क्या होता है? वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रवादी पार्टी है, आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, भाजपा फिर आप नहीं कट्टर राष्ट्रवाद के लिए जाना, फिर आप कहेंगे कि मैं पत्रकारों को टारगेट कर रहा हूं, और अगर मैं करूंगा ना फिर ज्यादा ही तगड़ा ही हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शांतिपूर्वक सुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि पत्रकारिता कैसे होती है। शुरू करूं क्या मैं एक बार? नहीं, अरे करूं क्या, आप मुद्दे पे रहिए, कर देता हूं भाई। इतना कह रहे थे कि मीडिया का कौन सा स्तंभ है, चौथा, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है, आप ये मुझे बताइए, पत्रकारिता करते हैं या खेती करते हैं? पत्रकारिता, खेती नहीं करते ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गन्ना कैसे उगता है, मक्का कैसे उगती है, तो बता पाएंगे? मैं उसकी जानकारी तो आपको नहीं पूरी तरीके नहीं दे पाएंगे ना, लेकिन एक बात मुझे बताइए, सुनिए तो एक बात आप मुझे बताइए मेरे भैया, कि जब आप देश के किसान से पूछते हैं कि मथुरा में हेमा मालिनी क्या कर रही है, ठीक है, आप उससे पूछते हैं कि भैया MSP की फुल फॉर्म बताओ, उसे बताओ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। अब मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं, ये आपके, सुनिए सुनिए आपकी बात सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आपकी भी सुनिए, ये आपके माध्यम से आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आप लोगों का तो मैं स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी भाई मेरे पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर देश के किसान की ताकत हैं, वेयर द पावर ऑफ अ फार्मर, ये बात बिल्कुल समझ रहे हैं। और आपके माध्यम से, सुनिए, इन भाई के माध्यम से और आपके माध्यम से, ठीक है, आप भाइयों के माध्यम से हमारा संदेश है, ठीक है, किसान भाइयों की तरफ, इन भाइयों की तरफ से इसलिए संदेश है उन देश के तमाम पत्रकारों को कि जो देश में हिंसा फैलवाते हैं वो देश के अंदर 26 जनवरी की ये तस्वीरें नहीं दिखाते कि जब देश के अंदर
देश के अंदर देश के जवान को चोट लगती है तो उसे बचाने के लिए देश का किसान ही आगे आता है। ये दो लाइन मेरे भाई ने किसी ने भी लिखी है, पहले तो उसका दिल से धन्यवाद, मेरी लाइन नहीं है लेकिन मेरे को अच्छी लगी तो मैं बोलना चाहूंगा अपनी भी वाणी में कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर। कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर, बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है देश के किसान भाई का ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर जब तक खड़ा रहेगा जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।